इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के टॉपिक में हम डिस्कस ये करते हैं कि आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर आपको कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, बेसिकली ये कुछ मिसिंग वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी और उस इनकम्प्लीट डेटा से या उस मिसिंग वैल्यूज से आपको अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। इशूज़ जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि आपको मार्कअप और मार्जिन से चीज़ें कैलकुलेट करनी हो, सेल्स निकालनी हो, परचेजेस निकालनी हो, क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करने को दे दी जाए, कैश पर क्रेडिट परचेजेस फाइंड आउट करने को दे दी जाए, कैश सेल्स कैसे निकालेंगे, ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे, अगर कैश स्टोलन हो गया, चोरी हो गया वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, इन्वेंट्री अगर जल गई उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है वो कैसे निकालेंगे, कैपिटल या प्रॉफिट या ड्राइंग्स नहीं दी हुई वो कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास कंप्लीट डेटा नहीं है, लिमिटेड डेटा है, तो हम कुछ ऐसी शॉर्टकट टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिए हम अपनी मतलूबा इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। सो पहला इशू इसके अंदर है जो हमें समझने का है, वो ये है कि जो प्रॉफिट परसेंटेजेस होती हैं जिन्हें मार्कअप या मार्जिन कहा जाता है वो क्या होती हैं और उसके ज़रिए हम किस तरह से मिसिंग वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मार्कअप। मार्कअप का मतलब होता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो अगर कोई ये कहता है कि जी हम एक प्रोडक्ट के ऊपर 20% मार्कअप चार्ज करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि आप प्रॉफिट चार्ज करते हैं कॉस्ट पे। सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्शन 100,000 है और आपको मार्कअप दिया हुआ है से सपोज 20%, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? आपका प्रॉफिट हो जाएगा 100,000 का 20%, दैट इज 20,000 आपने इसके ऊपर प्रॉफिट चार्ज किया। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं मार्कअप की परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहूँ तो मार्कअप परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर प्रॉफिट दिया हुआ हो और कॉस्ट दी हुई हो तो हम मार्कअप की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो मार्जिन बोला जाता है वो भी प्रॉफिट परसेंटेज होती है। तो फर्क ये होता है कि मार्जिन इज प्रॉफिट ऑन सेल्स रादर देन कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपको सेल्स फिगर दी हुई है, फॉर एग्जांपल सेल्स हैं आपकी 150,000 और आपको मार्जिन बताया हुआ है कि जी आप मार्जिन चार्ज करते हैं फॉर एग्जांपल 30%, तो हम कहेंगे प्रॉफिट आपका कितना होगा? तो प्रॉफिट हो जाएगा सेल्स मल्टीप्लाई बाय मार्जिन परसेंटेज। तो यहाँ पर 150,000 की आपने सेल्स की और 30% आपका सेल्स पे मार्जिन है तो 45,000 का आपने प्रॉफिट जनरेट किया। तो परसेंटेजेस सिर्फ कोट करने के लिए हैं, प्रॉफिट परसेंटेजेस मार्जिन की फॉर्म में भी दी जा सकती हैं और मार्कअप की फॉर्म में भी दी जा सकती हैं। सो अगर कॉस्ट दी हुई हो और मार्कअप दी हुई हो तो प्रॉफिट कैलकुलेट हो सकता है, प्रॉफिट दिया मार्जिन दिया हुआ और सेल्स दी हुई हो तो ईजिली हम कोई भी फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्जिन परसेंटेज अगर कैलकुलेट करनी हो तो मार्जिन परसेंटेज का फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। वहाँ था प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या मार्जिन परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये आती है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एग्जाम में ये आती है कि वो आपको डेटा देता है, फसलन उसने आपको कॉस्ट दी फॉर एग्जाम्पल 100,000 और उसने आपको मार्जिन की परसेंटेज दे दी फॉर एग्जांपल 30% मार्जिन। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉस्ट तो मार्जिन से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, व्हाट टू डू? या फिर उसने आपको सेल्स की फिगर दी 150,000 और उसके साथ मार्कअप दे दिया, अगेन अ प्रॉब्लम, मार्कअप तो सेल्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो उसके लिए क्या किया जाए उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है आपके पास जो बिगिनिंग में स्टॉक रखा हुआ था उसे आप कंसिडर करें, उसमें आप परचेजेस ऐड करते हैं, कौन सी परचेजेस? ऑल परचेजेस क्रेडिट प्लस कैश, और वहां से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बेसिक इक्वेशन है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस इक्वेशन से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अब यह बात जहन में रखें कि मार्कअप
का जब भी मतलब आएगा तो इसका मतलब होगा जो आपकी कॉस्ट है वो है 100%। तो अगर आपको मार्कअप दिया हुआ तो कॉस्ट 100% होगी। फॉर एग्जांपल आपको मार्कअप दिया हुआ है 20%, तो कॉस्ट हमेशा क्या होगी, कॉस्ट होती है 100%। और इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे 20 का, तो ये सेल्स की परसेंटेज आ जाएगी 120%। तो जहाँ भी सवाल में मार्कअप दिया होगा तो मार्कअप का मतलब है कॉस्ट 100%, उसमें प्रॉफिट ऐड कर दें आपके पास सेल्स आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको सवाल में मार्जिन दिया जाए, फॉर एग्जांपल मार्जिन दिया हुआ है 40%, तो मार्जिन जब दिया हुआ होगा तो मार्जिन का मतलब होगा सेल्स जो है आपकी, जो सेल्स दी हुई हैं वो सेल्स हैं 100%। मार्कअप में कॉस्ट 100% ली जाती है और मार्जिन में सेल्स 100% ली जाती है। अब सेल्स अगर 100% है तो सेल्स में से प्रॉफिट परसेंटेज माइनस करेंगे तो कॉस्ट की परसेंटेज आएगी। तो सेल्स अगर हमारी 100 है, इसमें से 40 का मार्जिन माइनस किया तो 60 कॉस्ट आ गई। अब इससे ये पता लगा कि मार्कअप के केस में सेल्स 100 से ज़्यादा होती है और मार्जिन के केस में कॉस्ट 100 से कम होती है। तो फॉर्मूला याद कर लें, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है, या सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। नाउ फॉर एग्जांपल अब मैं कुछ डेटा देता हूँ कि हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई थी 1 लाख, और इसके साथ हमें मार्जिन नहीं दिया, मार्कअप नहीं दिया हुआ था, बल्कि मार्जिन परसेंटेज दे दी 40%। और आपको कहा जा रहा है कि ये बताएं कैलकुलेट सेल्स के, सेल्स कितनी होगी, या कैलकुलेट प्रॉफिट, कुछ भी कर लो, सेल्स एंड प्रॉफिट। अब हम मार्जिन को डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पे साइड में एक सिचुएशन बनाई कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको मार्जिन दिया हुआ है। मार्जिन का मतलब होता है सेल्स 100%, यहाँ 100% लिखा, मार्जिन को यहाँ पर लिखा, 100 में से माइनस 40 किया 60। ये सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करती कि मार्जिन दिया हुआ है तो 100% सेल्स होंगी और कॉस्ट लेस देन 100% होगी। अब आपने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो दी हुई है 1 लाख, उसको न्यूमरेटर में रखा, ऊपर रखा, और यहाँ पर सेलेक्ट कर लें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की परसेंटेज कितनी, वो उठा के नीचे रखते हैं। और जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करना है, सेल्स, सेल्स की परसेंटेज से इसको मल्टीप्लाई कर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100,000 कॉस्ट है। तो ये बात जहन में रखें कि कॉस्ट अगर ऊपर दी हुई है तो नीचे भी परसेंटेज कॉस्ट होगी, सेल्स अगर ऊपर दी हुई है तो नीचे भी परसेंटेज जो होगी वो सेल्स की लेंगे, और जो चीज़ फाइंड आउट करनी हो उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ सेल्स का आंसर आ गया 166667, ये आपकी सेल्स आ गई। अनदर सोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट दी हुई है 40,000, मार्जिन दिया हुआ है से सपोज 20%, कैलकुलेट प्रॉफिट। हमने वही लॉजिक लगाई, मार्जिन का मतलब है सेल्स 100, प्रॉफिट 20, सो कॉस्ट कितनी होगी 80%। अब कॉस्ट हमने न्यूमरेटर में रखी 40,000, तो डिनोमिनेटर में हमें क्या रखना है, कॉस्ट रखनी है, कॉस्ट की परसेंटेज है 80। फाइंड आउट क्या करना है, प्रॉफिट, प्रॉफिट की परसेंटेज है 20। सेल्स अगर फाइंड आउट करनी होती तो हम सेल्स की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि जो फाइंड आउट हमें करना है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट आ गया इस सिचुएशन में 10,000। अब कॉस्ट दी हुई है, प्रॉफिट आ गया, तो कॉस्ट में अगर प्रॉफिट ऐड कर दिया जाए तो वो सेल्स बन जाती है। तो अब आप डायरेक्टली सेल्स इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट दी हुई है 40,000, 10,000 का प्रॉफिट है और सेल्स हो गई हमारी 50,000। इसी तरीके से अगर हमें मार्जिन दिया जाए, मार्कअप दिया जाए और सेल्स दी जाए, फिर ये उल्टा हो गया, क्योंकि सेल्स के साथ तो मार्जिन चलता है। तो अगर हमें मार्कअप दे दिया जाए सेल्स के साथ, तो हमें वो ही सिचुएशन बनानी पड़ेगी और कैलकुलेट जो भी चीज़ करनी है वो फाइंड आउट करनी है।
था, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कैलकुलेट प्रॉफिट। तो सेल्स और मार्कअप है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। हमने सिचुएशन बनाई, मार्कअप दिया हुआ है, मार्कअप का मतलब होगा कॉस्ट 100%, प्रॉफिट 40, तो सेल्स आपके पास आ जाएंगी 140। ये मार्कअप में हमेशा ऐसी सिचुएशन बनती है। अब गिवन क्या है, सेल्स उसको हमने ऊपर रखा, सेल्स की परसेंटेज कितनी है 140, उससे डिवाइड किया, फाइंड आउट क्या करना है प्रॉफिट, प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है 40, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको रटने के बजाय जो है इसको आप प्रॉपर तरीके से समझ के सॉल्व करेंगे तो मार्कअप और मार्जिन का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। तो यह हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 28571, यह हमारा प्रॉफिट आ गया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तो हमें सेल्स फॉर एग्जांपल दी हुई है 60,000 की और मार्कअप दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 20%, और कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, तो हमने मार्कअप देखा C100, प्रॉफिट 20, तो सेल्स कितनी हो गई, सेल्स हो गई 120। ठीक है, अब सेल्स को रखा न्यूमरेटर में जो गिवन है, सेल्स की परसेंटेज उसके नीचे रखी और कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो उसको कॉस्ट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको 60,000 की सेल्स के अगेंस्ट कॉस्ट मिल जाएगी। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, 50,000 की आपके पास कॉस्ट आएगी। तो इस तरीके से मार्कअप और मार्जिन को एडजस्ट करके अपनी मतलूबा चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मार्कअप एंड मार्जिन। अब बाज़ दफ़ा क्या होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप जो हैं वो जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ होता है वो क्लोजिंग स्टॉक किसी वजह से जो है वो जल जाता है। अब जब वो क्लोजिंग स्टॉक जल जाता है तो होता ये है कि आपको वो बताता नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक जला कितना, वो आपसे पूछता है ये बताएं कि क्लोजिंग स्टॉक जो जल गया था तो जलने के बाद वैल्यू कितनी बची। वो अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जलने के बाद वैल्यू कितनी बची, तो उसकी एक टेक्निक है कि अगर इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बाय फायर कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। अप्रोच ही मार्कअप और मार्जिन वाली हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बाय फायर, नाउ सी फॉर एग्जांपल आपको एक डेटा दिया हुआ है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक है वो था आपके पास 1,00,000 का, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हो गया निल आफ्टर फायर, आग लग गई और क्लोजिंग स्टॉक जल गया और आपका रिकॉर्ड भी जल गया। ठीक है, अच्छा अब आपको उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आप जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं उसके ऊपर आप मार्कअप चार्ज करते हैं 20%, और आपकी जो सेल्स हैं वो सेल्स हैं 5,00,000, और वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। जो स्टॉक आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में रखा हुआ होगा वो ही जला होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक अब जो बचा हुआ है वो तो जीरो है, लेकिन जो पड़ा हुआ था वो तो जल गया, जलने के बाद जीरो हुआ है, तो हमें पता करना है जलने से पहले क्लोजिंग स्टॉक कितना था। अब हम क्या करें, कैसे कैलकुलेट करें। अच्छा एक चीज़ की आपको और ज़रूरत यहाँ पड़ेगी और वो है परचेजेस की, उसके बगैर कैलकुलेशन नहीं हो सकती। परचेजेस हमारे पास यहाँ पर आ रही है, से सपोज हम परचेजेस लेते हैं 2,00,000 की, हम परचेजेस ले लेते हैं, अब देखें इसका तरीका क्या होगा। पहला काम आप ये करेंगे कि आप नॉर्मल तरीके से COGS निकालेंगे। नॉर्मल तरीका मतलब आप लेंगे ओपनिंग स्टॉक जो गिवन है, उसके अंदर परचेजेस को ऐड कर देंगे जो गिवन है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है, बाज़ दफ़ा पार्शियल गिवन होता है, जलने के बाद बच गया वो ले लेंगे,
नहीं दिया हुआ तो जीरो ले लेंगे। इससे हमारे पास एक आंसर आ जाएगा कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आंसर आ गया वॉट एवर जो भी आंसर आए। उसके बाद आपने क्या किया, मार्कअप टेक्निक से या मार्जिन टेक्निक से जो भी सवाल में दिया हुआ है आपने सी ओ जी एस दोबारा निकाली। अब देखें सी ओ जी एस तो सी ओ जी एस होता है ना, चाहे ऊपर फॉर्मूले से निकालें या मार्कअप टेक्निक से निकालें, आंसर तो एक ही आना चाहिए। इस आंसर में जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो डिफरेंस इस वजह से आ रहा है जो इन्वेंट्री जल गई थी उसका रिकॉर्ड तो हमारे पास है नहीं। जो इन्वेंट्री जल गई थी वो इसके अंदर तो है, कॉस्ट के अंदर, इसके अंदर नहीं, क्योंकि वो तो मिसिंग है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा हमें क्या बताएगा, हमें बताएगा कि आपकी इतनी इन्वेंट्री जल चुकी, इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इतनी इन्वेंट्री आपकी जो है वो जल के ख़त्म हो चुकी। अब ये सवाल देखते हैं। सवाल में दिया हुआ है अ सोल ट्रेडर फिक्सेस हर प्राइस बाय एडिंग 50% टू कॉस्ट ऑफ ऑल गुड्स परचेस्ड। तो ये जो कॉस्ट 50% ऐड हो रहा है ये किस में ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है कॉस्ट में, तो इसको हम नाम दे देते हैं मार्कअप। तो इसने बताया नहीं ये मार्कअप है या मार्जिन है, लेकिन क्योंकि लिखा हुआ है कि कॉस्ट में ऐड हो रहा है तो जो चीज़ कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करती है वो मार्कअप होती है। 31 अक्टूबर 2003 को एक फायर हुआ और कंसिडरेबल पार्ट ऑफ इन्वेंट्री जल गई और इन्वेंट्री रिकॉर्ड भी साथ जल गया, कुछ इन्वेंट्री बच गई। उसने ट्रेडिंग अकाउंट जो अपना बनाया हुआ है उसके अंदर उसके पास सेल्स की इन्फॉर्मेशन तो है, ओपनिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन भी है, परचेजेस की इन्फॉर्मेशन भी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो भी है, और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के उसने दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकालेगी। ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री लिए है ये आफ्टर डिस्ट्रॉयड, आफ्टर फायर है, ये कंप्लीट इन्वेंट्री नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो सी ओ जी एस आया है ये सी ओ जी एस ठीक नहीं है, 2,28,200। यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन वॉट इन्वेंट्री लॉस हैज़ अकर्ड। अब उसने हमसे पूछा इन्वेंट्री लॉस जो हुआ है वो बता दें। तो हमने कहा कि एक सी ओ जी एस तो मैंने बताया था कि हम ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक से निकालते हैं, वो हमें सवाल में दिया हुआ है 2,28,200, ये तो हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा सी ओ जी एस हम मार्कअप से निकाल लेते हैं, हमें मार्कअप दिया हुआ है, मार्कअप दिया हुआ है 50%, तो सिचुएशन बना लेते हैं, मार्कअप है 50%, सेल्स हैं 281,250, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, सी ओ जी एस निकालते हैं। सो हम वही टेक्निक अप्लाई करते हैं, मार्कअप का मतलब होता है कॉस्ट 100, प्रॉफिट 50, सेल्स 150, सेल्स ऊपर रखें 281,250, डिवाइड कर दें 150 से और मल्टीप्लाई कर दें, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है 100 से मल्टीप्लाई करें, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो आंसर आना है वो आंसर हो जाएगा 281,250 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100 187,500। ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब ऊपर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है 228,200, लेकिन यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आ रही है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो बीच का डिफरेंस है वो इन्वेंट्री है जो आपने ऊपर वाली फार्मूले में कंसिडर नहीं की थी। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, ये आ गया 40700। ये जो इन्वेंट्री है ये जो डिफरेंस आ रहा है ये हमेशा क्या होगा, इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बाय फायर, सो आंसर इज सी। तो अप्रोच बड़ी सिंपल है, पहले नॉर्मल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से आंसर निकाल लें इक्वेशन से, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मार्कअप या मार्जिन से कैलकुलेट करें, दोनों का डिफरेंस ले लें। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। ए फिक्सेस प्राइस टू मेक अ स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स। अब ये परसेंटेज कौन सी है जो सेल्स पे दी हुई, तो ये है मार्जिन। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, आपको क्या क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्री दी हुई है 1 फरवरी 2002 को, 31 जनवरी 2003 को, तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई, बिगनिंग की इन्वेंट्री हो गई, ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई। उसके साथ परचेजेस दी हुई हैं, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, परचेज रिटर्न को आप परचेजेस में से ऑफसेट कर दें। व्हाट इज़ दी सेल्स फिगर, सेल्स निकालनी। अब मार्जिन दिया हुआ है, सेल्स निकालनी है, तो हम सेल्स निकालने के लिए पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे काम करते हैं।
क्योंकि हमें कॉस्ट चाहिए ना जो हम मार्जिन से अप्लाई करेंगे. तो सी ओ जी एस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न माइनस करते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो इस इक्वेशन में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आ गया 2,43,000 प्लस परचेजेस 595,400 माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक 261,700. तो पहले तो हम COGS निकालते हैं, क्योंकि COGS अगर हमारे पास होगा ही नहीं तो हम मार्जिन कॉस्ट पे अप्लाई करेंगे तो कैसे निकलेगा. इसलिए पहले COGS निकालते हैं. सो 243,000 प्लस 595,400 माइनस 41,200 माइनस 261,700. सो ये बनता है 5,35,500. ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और मार्जिन दिया हुआ है 20%. अब ये वही सवाल बन गया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है और मार्जिन दिया हुआ है 20%. तो हमने कहा कि मार्जिन का मतलब होता है कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स. मार्जिन का मतलब होता है 100, प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट होगी 80%. तो आपकी कॉस्ट जो है हम न्यूमरेटर में रख देते हैं 535,500. कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं 80 से और सेल्स फाइंड आउट करनी है. सेल्स की परसेंटेज है 100. 535,500 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100 आंसर आएगा 669,375. चेक द आंसर 669,375 ये आपका आंसर है. एक और सवाल देखते हैं. अ सोल ट्रेडर हु डज नॉट कीप फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विशेस टू कैलकुलेट सेल्स रेवेन्यू. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल. ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस दी हुई हैं, क्लोजिंग स्टॉक है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स रेवेन्यू. इसका मतलब है मार्जिन दिया हुआ. व्हाट इज द सेल्स वैल्यू. सेल्स निकालनी है. सबसे पहले COGS निकालते हैं. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. इसमें कोई परचेज रिटर्न नहीं है. 17,000 प्लस 91,000 माइनस 24,000. बाज़ दफ़ा परचेजेस भी गिवन नहीं होती. अगर परचेजेस गिवन नहीं होगी तो फिर कैसे निकालेंगे वो हम अगली दफ़ा डिस्कस करेंगे, अगली एग्जांपल्स वगैरह के अंदर डिस्कस करेंगे, आगे कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस करेंगे. तो कोई भी चीज़ मिसिंग हो सकती है. यू शुड नो कि कहाँ से वो चीज़ निकलेगी. यही टॉपिक है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 84,000. मार्जिन आ गया 40%. अब ये वही सवाल बन गया. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऊपर रखा. मार्जिन का मतलब होता है कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स. मार्जिन का मतलब होता है कॉस्ट लेस देन 100%. 60 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये प्रैक्टिस के साथ साथ आएगा कि किसका मतलब 100 होता है और किसका मतलब लेस देन 100 होता है. सो सेल्स आ गई आपकी 1,40,000. आंसर इज डी.